दे वंदन हो सुबह या शाम, भारत माँ का करते वंदन हो सुबह या शाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, सनातनी हिंदू संस्कृति का करते हम सम्मान, भारत जैसे अखंड राष्ट्र पर है हमको अभिमान, भारत जैसे अखंड राष्ट्र पर है हमको अभिमान, गंगा यमुना जैसी नदियां सुंदर सारे धाम, कितने धाम है हमारे यहाँ पे, चार धाम, गंगा यमुना जैसी नदियां सुंदर सारे धाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, सब कुछ अच्छा हो जीवन में कम से कम हो क्रोध, मैंने अपने लिए लिखा है ये स्पेशली क्योंकि मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता था, आप लोगों को आता है गुस्सा जल्दी, तो यही लाइनें मैंने अपने लिए लिखी है कि सब कुछ अच्छा हो जीवन में कम से कम हो क्रोध, साम दाम और दंड भेद से करे दूर अवरोध, और दृढ़ निश्चय कर चलते रहना लेकर अल्प विराम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, जात पात पर इस जीवन में कभी ना हो टकराव, हमारे देश में जाति जातिवाद में बहुत टकराव हुआ है कि ये छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, कि ये मेरे भाव है कि जात पात पर इस जीवन में कभी ना हो टकराव, तन हो सुंदर हो सुंदर सब भाव, और गांव गांव और शहर शहर में भेज रहे पैगाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम, उस माटी के युवा वीर हम भारत जिसका नाम। तो मुझे ऐसा लगता है जहां जितने भी युवा बैठे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, एक वीरता तो रहती है हमारे अंदर, एक बल तो शौर्य बल तो रहता ही है, कोई देश के लिए कुछ बोल दे तो दिल में आग लगती है कि नहीं लगती है ना। तो अभी पीछे कुछ घटना हुई पुलवामा में और हमारे भारतीय सैनिकों पर प्रश्न उठाया गया, क्वेश्चन किया गया और प्रूफ मांगे गए कि आप प्रूफ दीजिए हमें कि आपने उनको जवाब दिया भी है या नहीं दिया। 80 किलोमीटर अंदर जाकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के LOC के 80 किलोमीटर अंदर जाकर जवाब दिया, और जब उनसे सबूत मांगे गए तो चार लाइनें मेरे दिल से निकली कि भारतीय सैनिक है शौर्य का प्रतीक है ये, भारतीय सैनिक है शौर्य का प्रतीक है ये, देश की रक्षा है ये तो मौत से लड़ जाएंगे, और देश की सेवा के खातिर भूल जाए सुबह शाम, और दुश्मनों के सामने पहाड़ से अड़ जाएंगे, दुश्मनों के सामने पहाड़ से अड़ जाएंगे, और सरहदों पे घूमते हैं देश का सम्मान लिए, सरहदों पे घूमते हैं देश का सम्मान लिए, अरी को डरा के नई गाथा गढ़ जाएंगे। अरी का मतलब है यहाँ पे दुश्मन, दुश्मन को डरा के नई गाथा गढ़ जाएंगे, कि सरहदों पे घूमते हैं देश का सम्मान लिए, सरहदों पे घूमते हैं देश का सम्मान लिए, अरी को डरा के नई गाथा गढ़ जाएंगे, और हाथ में तिरंगा लेके बाधाओं को पार कर,
हाथ में तिरंगा लेके बाधाओं को पार कर समर को जीत के सुमेरु चढ़ जाएंगे, समर को जीत के सुमेरु चढ़ जाएंगे।